सपा से यादव परिवार के तीन लोगों को मिला लोकसभा का टिकट। समाजवादी पार्टी ने यादव परिवार से तीन लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है। पहला नाम है डिंपल यादव का। मैनपुरी से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। डिंपल यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। वर्तमान में मैनपुरी से सांसद हैं डिंपल यादव। यादव परिवार से डिंपल यादव को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरा नाम है धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद रह चुके हैं। बदायूं लोकसभा सीट से 2024 के लिए धर्मेंद्र यादव को सपा ने टिकट दिया है। यादव परिवार के दूसरे सदस्य हैं धर्मेंद्र यादव, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। वहीं तीसरा नाम है अक्षय यादव का। अक्षय यादव को फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। यादव परिवार के तीसरे सदस्य अक्षय यादव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र हैं। वह फिरोजाबाद से पूर्व सांसद रह चुके हैं। यूपी के यादव परिवार से समाजवादी पार्टी ने तीन लोगों को टिकट दिया है, जिसमें डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव का नाम शामिल है।